उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद कोर्ट ने फिल्म अभिनेत्री एवं रामपुर की पूर्व सांसद जया प्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। उन्हें अदालत में अभद्र टिप्पणी मामले में कोर्ट में पेश होना था। उनके वकील ने कोर्ट में तबियत खराब होने का प्रार्थना पत्र दिया है। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 6 दिसंबर दी है। साल 2019 लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद मुरादाबाद में आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम में जयप्रदा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई थी। इस कार्यक्रम में रामपुर के पूर्व सांसद आजम खान, मुरादाबाद सांसद एसटी हसन, पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम सहित कई सपा नेता शामिल हुए थे। अभद्र टिप्पणी मामले में जयप्रदा पिछले काफी समय से अपने बयान दर्ज कराने कोर्ट नहीं पहुंची थी, जिसको लेकर कई बार जमानती वारंट भी जारी किए गए थे। बावजूद उसके भी जयप्रदा ने कोर्ट में पहुंचकर अपने बयान नहीं दर्ज कराए। अब कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। विशिष्ट लोक अभियोजन मोहन लाल विश्नोई के द्वारा इस पूरे प्रकरण को लेकर जानकारी देते हुए बताया गया कि मंगलवार को इस मामले में जयप्रदा को अपने बयान दर्ज करने थे, लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुई। जयप्रदा के वकील अभिषेक भटनागर ने उनकी तबीयत खराब होने की बात करते हुए प्रार्थना पत्र अदालत में दाखिल किया था, जिसे अदालत ने खारिज करते हुए जयप्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। इस मामले में अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी, जिसमें जयप्रदा को शामिल होना होगा। जयप्रदा जी की गवाही में आज का प्रकरण था, उनकी गवाही होनी थी। पिछले विगत कई तिथियों से वो गवाही में अपनी आ नहीं रही थी, जिसमें उनके पूर्व में BW किए गए थे। अब उनका प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए उनके NEBW न्यायालय द्वारा जारी कर दिए गए। मामला 2019 का है। इसमें जयप्रदा जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करी गई थी, जिसमें उनको बेशर्म कह के संबोधित करा गया था, उससे संबंधित मामला था। अच्छा सर, ये इसमें पीड़ित थी, पीड़िता यही थी जयप्रदा। हाँ, पीड़िता थी। और वादी कौन थे इसमें? वादी मुस्तफा हुसैन थे इसमें। अच्छा, आरोपी कौन कौन थे इसमें? आरोपी इसमें 6 आरोपी हैं, आजम खां, अब्दुल्ला आजम, एसटी हसन, अजहर खां, आरिफ हसन और एक जना और है। 6 आरोपी हैं टोटल। कब से BW चल रहे थे इसमें? BW पिछले कई तिथि से चल रहे थे, 6-7 तिथियाँ निकल चुकी थी इनकी, लेकिन फिर भी इनके द्वारा नहीं आया गया। तो अब न्यायालय ने पर्याप्त अवसर देते हुए भी इनके अब ये देखा कि नहीं आए, तो इसलिए NEBW जारी कर रहे हैं। बता दें, सम्मान समारोह कार्यक्रम में फिल्म अभिनेत्री व पूर्व सांसद जयप्रदा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई थी। जयप्रदा के PRO मुस्तफा हुसैन ने इस मामले में आजम खान, एसटी हसन और अब्दुल्ला आजम सहित 6 लोगों के खिलाफ कटगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इनके खिलाफ कार्यक्रम के दौरान अभिनेत्री जयप्रदा पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है। पूरे प्रकरण की सुनवाई मुरादाबाद के लघुवाद न्यायाधीश MP सिंह की अदालत में चल रही है। जयप्रदा को इस मामले में अपना बयान दर्ज कराने आना था।